तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। फाइनली कल के डेट में यानी कि कल शाम को सहकारिता भर्ती का मॉडल उत्तर वगैरह जारी कर दिया गया है, जिसका एग्जाम 29 अक्टूबर को लिया गया था दो पालियों में। दरअसल उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, देखिएगा हफ्ते से 10 दिन के अंदर इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो मॉडल उत्तर वगैरह जारी हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आगे देखिएगा, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर अब यहाँ तो मॉडल उत्तर भी जारी हो गया है, अब इसके पश्चात आगे चलकर क्या पॉसिबिलिटी वगैरह बन सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है। देखिएगा, मॉडल उत्तर वगैरह देखने के पश्चात यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर को लेकर थोड़ा बहुत डामाडोल वाला सिचुएशन है, यानी कि देखिएगा अनाप शनाप उत्तर लिए गए हैं, प्लस कुछ प्रश्नों के उत्तर वगैरह ऐसे हैं या फिर प्रश्न को कह लीजिए वो थोड़ा सा गलत है, तो देखिएगा उन पर भी प्रश्न विलोपित होने चाहिए, ये भी छात्र दावा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं जिसको लेकर देखिएगा व्यापम ने दावा आपत्ति का ऑप्शन दिया है, जिसका आपको भर भर कर उपयोग करना चाहिए। यदि आप लोगों को कहीं से भी कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है, ऑथेंटिक सोर्सेस वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे, उसको चेक करते हुए उनको अपलोड करते हुए आपको यहाँ पे दावा आपत्ति वगैरह लगाना चाहिए। अब ये सबके पश्चात यदि जो सुबह के पाली में एग्जाम हुआ था सहकारिता भर्ती का, यदि आप लोग मुझे उसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह पूछते हैं, तो मैं बता दूँ यदि 100 मार्क्स में आपकी काउंटिंग वगैरह होती है, यदि मान के चलिए आप 64 से 68 तक के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर है। जबकि यदि 80 मार्क्स में काउंटिंग हो रही है, तो मान के चलिए 54 से 58 तक यदि आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर है। बाकी देखिएगा कोई कैटेगरी वाइज या फिर अलग से मेरिट लिस्ट वगैरह जारी नहीं होगी। अब जो मेरिट लिस्ट है वो देखिए ओवरऑल मेरिट में, यानी कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उस पर आधारित रहने वाली है, तो कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह बताया है उसके आसपास ही ये चीज़ होना चाहिए। बाकी आगे चलकर जब व्यापम की तरफ से जो एमेंडेड आंसर वगैरह जारी किया जाएगा, प्लस फाइनल रिजल्ट वगैरह जारी किया जाएगा, उसके पश्चात ही प्रॉपर चीज़ें स्पष्ट होंगी, और ये सब लिए थोड़ा सा और समय लगना है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा उसके पश्चात ही ये जो फाइनल प्रक्रिया है इस पर्टिकुलर एग्जाम की वो प्रारंभ होगी या फिर खत्म होगी हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा और वेट करना है, उसके पश्चात चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि मेरा जो अनुमान था, मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह था, वो मैंने आप लोग सब साझा कर दिया है, और ये देखिएगा पूरे एक्सपीरियंस पर आधारित, यानी कि प्रीवियसली जितने भी एग्जाम हुए हैं व्यापम के, चाहे वो आरआई भर्ती के हो, एडीओ भर्ती के हो, हॉस्टल वार्डन के हो, या दुनिया की कोई भी भर्ती के हो व्यापम के, उस पर आधारित मैंने आपको बताया है। बाकी देखिएगा आगे चलकर चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।